वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में आप सबका स्वागत है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके गार्डन में मई जून की जो गर्मी है उसमें भी फ्लावरिंग होते रहे? और आप ये देख रहे हैं मेरे सामने, ये बहुत ही खूबसूरत हमारे विंका के प्लांट्स हैं और इनमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। और ये हाइब्रिड विंका है और देसी विंका, दोनों ही मई जून की गर्मी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी रहती है। अगर आपके गार्डन में इसे एक बार आप ऐड करते हैं तो ये आपके गार्डन को छोड़ के कभी जा नहीं सकते हैं। और इसी तरह से देखिए, बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, ना ही आपको पिंचिंग करने की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा पानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और ये बहुत ही अच्छे सारे दिन की धूप जहाँ रहती है वहाँ पे भी ये फ्लावरिंग करते हैं, शेडी एरिया में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। आप इन्हें चाहे जहाँ भी लगा दीजिए तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और मेरे गार्डन में हर पॉट में ये प्लांट अपने आप ही उगाते हैं और हाइब्रिड विंग का ही हैं ये सारे, और आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। बहुत से कलर में आते हैं, डार्क, लाइट, पिंक, वाइट, बहुत ही सुंदर सुंदर इनके कलर मिलते हैं। नर्सरी पर अगर आप जाएंगे तो आपको ये बहुत सारी वैरायटी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखें, हर पॉट के अंदर ये मेरे विंका अपने आप ही ग्रो होते हैं और बहुत ही अच्छी मुझे फ्लावरिंग देते हैं। यहाँ मोगरे के प्लांट में भी आप देखेंगे अपने आप ही इनके प्लांट उगे हुए हैं और ये अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। ये दो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे से ही प्लांट में ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस पॉट में भी देखिए और यहाँ इस पॉट में भी देखिए और देखिए कितने बंचेस में इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इन्हें कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक बार आप इन्हें जब भी लगाइए तो एक अच्छी सी मिट्टी तैयार कीजिए, उसमें आप इसके प्लांट को लगा दीजिए। तो ये वाइट विंका जो आप देख रहे हैं, ये हमारा देसी वाइट विंका है और यहाँ पर भी वाइट और हाइब्रिड दोनों विंका हैं। और देखिए ये कितनी अच्छी ये फ्लावरिंग कर रहे हैं हर पॉट में। यहाँ पे भी देखिए ये साइड में निकले हुए हैं और इसके प्लांट की ग्रोथ देखिए और हेल्थ देखिए, बहुत ही हेल्दी प्लांट है और अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो जो ये हाइब्रिड विंका होते हैं इसमें इस तरह से वाइट कलर के डॉट डॉट आपको दिखाई देंगे, तो ये हमारे हाइब्रिड हैं। ये थोड़ा बरसात में ख़राब हो जाते हैं, इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो ये हमारे गार्डन में हमेशा बने रहेंगे। तो ये देखिए, मैंने इन्हें लगाया नहीं है, अपने आप ही हर पॉट में हमारे ये उग जाते हैं और अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं। और मेरे गार्डन में ये हमेशा अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, फ्लावर की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर इसकी ये फ्लावरिंग हो रही है और अच्छे से ये बर्ड्स भी बने हुए हैं, प्लांट भी काफ़ी हेल्दी है। तो मैं आपसे साथ शेयर करूँगी कि अगर आप जो हाइब्रिड विंका या कोई भी विंका के प्लांट को लगाना चाहते हैं इस गर्मी में तो बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। और ये देखिए, मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये हमारे बल्ब वाले यहाँ लगे हुए हैं और यहाँ पे ये डार्क पर्पल कलर का ये विंका है और उसका कलर देखिए मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये डार्क कलर में है। और ये देखिए जो हमने नर्सरी से ख़रीदा है वो विंका है, वहाँ आगे भी देखेंगे वहाँ पर भी बहुत सारे विंका हैं, तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, तो चलिए इनको अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो ये 30-40 रुपए के प्लांट आपको मिल जाएंगे, आपके नर्सरी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ ये 20 रुपीज़ में मिलते हैं हमारे नर्सरी में, क्योंकि यहाँ 20 रुपीज़ में ये हमारे विंका मिल जाते हैं, हाइब्रिड हो या देसी हो। और अच्छे से आप इन्हें ला के अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, चाहे जो कलर आप ले आइए, और बहुत ही हेल्दी होते हैं। और चलिए, तो इनके लिए किस तरह की हमें मिट्टी तैयार करनी है और किस तरह से लगाना है, अगर आप ये नर्सरी से लाते हैं तो अपने इसके लिए मिट्टी किस तरह से बनानी है जिससे आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो जब भी आप अपने गार्डन की मिट्टी लीजिए उसमें कम से कम आप 10% तो रिवर्सन जरूर मिला दीजिए, क्योंकि 10% रिवर्सन मिलाने से क्या होता है, हमारे मिट्टी में कभी भी पानी होल्ड नहीं होता है, जब भी हम पानी डालेंगे तो वो अच्छे से निकल जाएगा। और जिस भी पॉट में लगाइए उसके अंदर ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम पानी दें वो एक्स्ट्रा पानी होल से बाहर निकल जाए। तो इस तरह का पॉट हमेशा आप चूज़ कीजिएगा जिससे इसमें ड्रेनेज होल अच्छे हों। और मैं तो अपने इस दो वेस्ट मटेरियल हैं जो हमारे, इनमें ही मैं लगाऊँगी। और नीचे ये देखिए, हमने गार्डन की सूखी हुई पत्तियों को डाल रखा है जिससे ये अच्छा कंपोस्ट का काम करती हैं, और इसके अंदर ही हम अपने प्लांट को लगाने वाले हैं। साइड में एक विंका का प्लांट और है, उसको भी मैं इसी प्लॉट में लगाने वाली हूँ।
तो इस तरह से अगर आप मिट्टी लें उसमें 10% रिवन सैंड मिला लें और उसके अंदर आप कोई भी सड़ी हुई गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट या आपका किचन कंपोस्ट हो वो भी ले सकते हैं, उसमें मिला दीजिए। और इस तरह से आप पॉली बैग में से अपने प्लांट को निकालिए ताकि इसकी रूट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से फिंगर्स ऐड कर दीजिए और नीचे से प्रेस करते हुए अपने प्लांट को आप निकालेंगे तो उसकी रूट्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी और आराम से आपका प्लांट निकल आएगा। और जो ये ग्रो बैग है इसमें हम अपनी कोई भी कटिंग या सीडलिंग लगाने के लिए हम इसे इस तरह से निकाल लेते हैं ताकि इसमें हम अपनी कोई भी सीडलिंग तैयार करें तो उसमें लगा सकें या कटिंग हम तैयार करें तो उसमें लगा सकें। इसलिए हम ये ग्रो बैग को कभी भी फेंकते नहीं हैं और इस तरह से टर्न करके अपने प्लांट को आराम से आप निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए इस तरह से देखिए ग्रो बैग को हमने निकाल लिया है और इसकी मिट्टी भुरभुरी है तो इसके जरा भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इस तरह से पकड़ के हम इस ग्रो बैग में से निकालने के बाद इस तरह से पॉट में लगा देंगे और बिल्कुल भी इसकी मिट्टी को हटाएंगे नहीं। और जो हमने अपना फर्टिलाइजर युक्त इसमें मिट्टी तैयार कर रखी है इसी में हम अपने विंका के प्लांट को लगा देंगे तो आगे चल के ये बहुत अच्छे से सेट जब हो जाएगा तो जब इसमें सीड पॉट बनेंगे तो ये हमारे गार्डन को कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। और इस तरह से आप हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती है विंका के प्लांट को लगाने को। और ये तो इसके शीट तो अपने आप ही गिर गिर के बहुत ज़मीन पे फर्श पे भी इसके प्लांट उग जाते हैं। तो दोनों ही प्लांट को आपको इसी तरह से निकाल के मैं लगाऊंगी। और ये देखिए ये हमारा रेड कलर का हाइब्रिड विंका है और ये लाइट पिंक कलर का, तो दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आप चाहिए तो दोनों को एक साथ में लगा दीजिए या तो आप चाहें तो इन दोनों को अलग अलग भी लगा सकते हैं। पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं इनको अच्छे से एक ही पॉट में लगा दूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं दोनों को अलग अलग पॉट में लगाते हैं और फिर इसको लगाते हैं। और हमारे यहाँ इस समय मई की टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जब भी आप ये रिपोर्टिंग का काम करें तो शाम के समय ही करिए जब थोड़ा सा धूप ढल जाए ताकि हम जब प्लांट को लगाते हैं तो उन्हें रात भर में सेट होने के लिए टाइम मिल जाए, हमारा प्लांट कभी भी शॉक में नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप शाम के समय लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए इसको भी मैंने अब ग्रो बैग से निकाल लिया है और इसकी रूट भी काफ़ी अच्छी है। और इस तरह से क्योंकि एक तो आप देखेंगे इसकी पत्तियाँ कुछ मुरझाई मुरझाई है क्योंकि जहाँ से हमने इस नर्सरी से इसे प्लांट को लिया था वहाँ पे मिट्टी पे रखे हुए थे और वहाँ पानी से भरा हुआ था जिससे ये प्लांट काफ़ी हेल्दी थे और शेडी एरिया में रखे हुए थे नेट के नीचे। और हमारे यहाँ टेरिस पे ये लाने के बाद इस तरह से इसकी पत्तियाँ देखिए मुरसी गई हैं और दूसरे दिन मैं इसको रिपोर्ट भी कर रही हूँ फिर भी ये प्लांट अब इसकी पत्तियाँ मुड़ी हुई हैं क्योंकि वहाँ पे ये ठंडक में थे और हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैंने देखिए दोनों ही प्लांट को अच्छे से रिपोर्ट कर दिया है। और दोनों ही प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद इसमें हम अच्छे से वाटरिंग करेंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर हम वाटरिंग करते हैं तो इसका पानी इसके अंदर रुकेगा नहीं और वो निकल जाएगा। फिर वाटरिंग कीजिए तो अच्छे से देखिए कितनी हवा चल रही है, लूक चल रही है हमारे यहाँ। शाम के भी समय आप देख सकते हैं मेरे प्लांट किस तरह से हिल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं, ये हमारे यहाँ लूक चलता है। तो इसको अच्छे से देखिए हमने पानी दे दिया है और इसकी मिट्टी भीग गई है। तो इसी तरह से आपको भी जब फर्स्ट टाइम आप इसके फ्लावरिंग करें सॉरी इसकी रिपोर्टिंग करें तो इसको जैसे एक बार पानी देने के बाद दोबारा इसमें हम वाटरिंग करेंगे ताकि पूरी मिट्टी अच्छी तरह से नीचे तक एकदम मॉइस हो जाए, पूरी भीग जाए और जितना भी हम पानी दे रहे हैं वो ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा पानी बाहर चला जा रहा है। तो दो बार ऐसा करेंगे तो हमारी मिट्टी अच्छे से भीग जाएगी और जब एक बार ये सेट हो जाएंगे तो ये हमारे गार्डन से कभी भी नहीं जाएंगे। फ्लावरिंग के बाद इसमें शीट पॉट बनते हैं और शीट पॉट अपने आप ही फूट के ढेर सारे मिट्टी में गिरने के बाद अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है, आप नर्सरी से अभी भी ला सकते हैं और मई जून की गर्मी में आप इनका को अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो इस तरह से आप लगाइए और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इस तरह से हमने लगा दिया है और आप भी इसके प्लांट को ला सकते हैं और ये कटिंग से भी आराम से लग जाता है, ये प्लांट कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसे शेडी एरिया में रखना होता है और थोड़ा रिवर सेंट में लगाना होता है। और जब भी कटिंग लगाइए इसकी तो ऊपर की टिप की 4 इंच की कटिंग लेके आप उसे लगा देंगे और शेडी एरिया में रखेंगे तो इसकी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है।
तो ये शीट और कटिंग दोनों से ही चलता है। तो वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए आप सबको थैंक यू फ्रेंड। इसी तरह